हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर टीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल होने वाले, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ स्काई लाइटन घर पे किस तरीके से बनाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम 10 रुपये में किस तरीके से हॉट एयर बलून घर पे बना सकते हैं, उसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। मैं आप लोगों को आगे आगे वीडियो में यह भी सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से चीज़ों का यूज़ करते करते हम हॉट एयर बलून को घर पर बना सकते हैं और इसको सक्सेसफुली उड़ा भी सकते हैं। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम घर पे बनाएंगे और वो सारी प्रोसेस को आप लोगों को दिखाएंगे और एंड में हमारे खुद से बनाए हुए बलून को हम आकाश में उड़ाने भी वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके की मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है तो डस्टबिन की पॉलीथीन आती है, उसको हमें ले लेना है। यह सिर्फ और सिर्फ हमें 5 या फिर 10 रुपये में मिल जाती है। इस तरीके की पॉलीथीन को लेकर हमें इस तरीके का एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेकर इसको कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में अटैच कर देना है, जैसा आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। और फिर हमें इसका फ्यूल बनाना है और फ्यूल बनाने के लिए हम छोटे छोटे इस तरीके के कागज़ के टुकड़े लेंगे और फिर जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको मोम में भिगो देना है। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल जो हमारा वैक्स होता है उसके अंदर भिगो देना है और ये हमारा फ्यूल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब ये जो है वो बनेगा फ्यूल और हमारा जो हॉट एयर बलून है वो भी रेडी है। और अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा खुद से बनाया हुआ घर पर बनाया हुआ हॉट एयर बलून उड़ता है या फिर नहीं। तो फटाफट से इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि हमने जो कागज़ जो होते हैं उसको मोम में भिगोया था, उसके छोटे छोटे पीस करके हमने कुछ इस तरीके से एक तार के साथ में अटैच कर दिया है और यह लगेगा हमारे हॉट एयर बलून के नीचे और यह जलेगा, तो इसकी वजह से यह जो हमारा बलून है वो जाएगा आकाश के अंदर, क्योंकि इसमें जो हवा होती है उसको ये गर्म कर देगा। यह कुछ इस तरीके से इसके नीचे लग जाएगा और अब जैसे ही इसमें आग लगाकर हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और ताकि इसमें सारी गर्म हवा भर जाए और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो यह जाएगा आकाश में। लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप के लिए हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा भट्ठा जला लिया है ताकि सबसे पहले स्टार्टिंग की जो गर्म हवा है इसकी मदद से हम इसके अंदर भरेंगे। तो सबसे पहले हम हवा को बाहर निकालेंगे और भट्ठे के ऊपर इस तरीके से रखकर इसमें गर्म हवा जाने देंगे। तो दोस्तों, बलून को हमने छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से उड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत जल चुका है लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से हवा में फ्लोट करते हुए जा रहा है। आप लोग देखो एक बार। और अब जाकर ये पूरा जल चुका है और अब नीचे जाकर गिरा है और वहां पर जाकर देखते हैं कि आग वगैरह ना लगे हमारी सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों, एक बलून तो हमने घर पे बनाकर उड़ा दिया, आप लोग देखो। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत वर्क किया है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये ऊपर गया है, आप लोगों ने देखा होगा। और दोस्तों, ये थोड़ा बहुत हवा की वजह से यहाँ पर नीचे ही जल चुका था, इसीलिए हमने इसको टाइम से पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन अगर इसको थोड़ा टाइम तक और पकड़े रखते और फिर छोड़ते तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक भी जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर हवा की वजह से सारा काम बिगड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के खर्चे के अंदर। आप लोगों ने जिस तरीके से देखा बिल्कुल उसी तरीके से हमने बनाया है। तो इसको छोटा बस्सा भी बना सकता है लेकिन जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसमें थोड़ी बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। होता है इसके अंदर डुबो कर जो इसका फ्यूल बनाते हैं उसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, जो मोल्टन वैक्स होता है उसके अंदर पानी अगर गिर जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए आप लोगों को ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो देखा दोस्तों, अभी एक गुब्बारा हमारे पास और है, एक और हॉट एयर बलून है। तो इसको भी अभी थोड़ा अंधेरा होने देते और फिर इसको उड़ा कर देखते हैं कि क्या इसका अंधेरा होने के बाद अलग नज़ारा देखने को मिलता है या फिर नहीं।
तो दोस्तों आप लोग शायद से मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दूर चला गया और अब अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो अभी यहाँ पर वीडियो को एंड करते, अभी इसमें आग लगी हुई है, अभी ये हमसे बहुत ही ज्यादा दूर चला गया है, शायद आप लोग कैमरे में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आज का ये जो हमारा होममेड प्रोजेक्ट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये था हमारा हॉट एयर बलून, बिल्कुल घर पे बनाया हुआ और ये बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ा है। तो मुझे यकीन है कि आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, चैनल को और इसी तरीके से मजेदार वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्दियों का मौसम काफी ज्यादा चल रहा है, अभी यहाँ पर हम हाथ सेक रहे हैं सूखी लकड़ियों की मदद से। और अब इस वीडियो को करते हैं एंड, आप लोग भी मजे करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।